Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss about the addition of the vectors, है ना? आज का टॉपिक है हमारा addition of vectors, multiplication of vectors, है ना? सारा करेंगे. देखो ये सिंपल सा टॉपिक है. एक देखो जैसे ये होता है ना ए बी वैक्टर ए बी है. वट इज मीनिंग ऑफ जनरल मीनिंग इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी है ना, ये इसका जनरल मीनिंग है. आप देखो इसी शेप में हम एक ये लेते हैं कि एक लड़के ने डिस्प्लेसमेंट की, वो ए से बी पॉइंट पे पहुंचा है ना, ऐसे बी पॉइंट पे पहुंच गया. अब बी से सी की तरफ चला गया, यहां पे सी पॉइंट था ऐसे, ठीक है. अब उसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? ए टू सी हुई. एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? ए टू सी. अब ये क्या है? ये इस डायरेक्शन में होगा, ए टू सी है ना, ये हो गया. देखो ये डायरेक्शन की, ये की. अब क्या हुआ? देखो एसी, एसी किसके इक्वल होगा? एसी इज इक्वल टू, एसी इज इक्वल टू ए टू बी, ए बी वेक्टर प्लस बी टू सी वेक्टर. ये होती है ना, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी. और इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं ना. ऐसे में तो ये क्या, ए टू बी, बी टू सी, ए टू सी, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. एक अगर ये इसकी फॉर्म ये दी हुई है ए वेक्टर, और ये क्या है मान लो बी वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी वेक्टर है ना. ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है जी. ये था, इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है ना. इसको ये भी कहते हैं, इसका नाम क्या है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है. ये क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना. उसके बाद इसको ही हम अगर ऐसे कर दूं, मैं ये देखो, अब यहां से एक और बात बताऊंगा मैं आपको. मान लो यहां से जितना ये बी की तरफ है या बी वेक्टर है, जितना इधर था, इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है ना. अगर इस तरफ गया डायरेक्शन, देखो इधर बी था ये वेक्टर, मान लो इधर क्या था, ये वेक्टर बी था. इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर. ये क्या होगा? माइनस बी वेक्टर. और यहां पे पॉइंट क्या है? सपोज बी, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? देखो डिस्प्लेस ऐसे गया, अब इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये डायरेक्शन होगी ऐसे ए टू डी. तो नाउ व्हाट विल बी दिस? ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी वेक्टर. बिल्कुल वही लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही चलेगा. देखो ये कितना था, मान लो ये ए था, मान लो ये क्या था? वेक्टर ए. सपोज अब ये मैंने ये ए ही पहले भी यही माना था मैंने ना, अब क्या है? ए और ये बी वेक्टर है ना. तो ये क्या होगा? देखो ए डी, ए डी है ना, इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी प्लस बी डी, ठीक है. अब ये क्या आ जाएगा? इसको मैंने ए बी को ऐसे लिख दिया, ए वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर कितना है? माइनस बी. तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ये था, ये इसकी सब्ट्रैक्शन होगी एक तरह से ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो. एक और देखो, ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का मतलब ये है कि अगर ये वेक्टर ए है, ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा, है ना. ये है वेक्टर एडिशन, इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं ना. तो ये सब्ट्रैक्शन थी. अब एक बात मैं आपको सिंपल सी एक और बात बताऊंगा यहां से. ये देखो ये था, मान लो मैंने ये बनाया हुआ है ना, ये पहले का ही मैंने रख लिया, ये है ना, ये था ऐसे, ये वेक्टर ए था, ये बी था, या ए बी लगा लो या बी सी लगा दो. अब देखो यहां पे ए टू सी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दू, ए बी को इधर भी लिख सकता हूं मैं, ए बी प्लस बी सी, वो तो एक ही बात है, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कैन वी राइट? यस वी कैन राइट, ठीक है. अब देखो आपको मैंने पढ़ाया था नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या था? कि ये किसके, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? ये किसके इक्वल है? माइनस सी ए के इक्वल होगा. माइनस सी ए के इक्वल होगा कि नहीं? ये ए सी इज इक्वल टू माइनस सी ए, ये इसका क्या है? नेगेटिव वेक्टर है. ये हमने पढ़ाया पहले ना, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. अब यहां से एक प्रॉपर्टी बतानी है बस, और कुछ नहीं है. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया. इसका मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट हुई. कब? देखो कब, ये देखो ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए,
सी टू ए, देखो सी टू ए ही है ना, सी से ए की तरफ ऐसे डायरेक्शन ऑपोजिट की ना मैंने, पहले ऐसे से डायरेक्शन अब ऑपोजिट की, तो वो क्या हो गया माइनस में हो गया, ठीक है। तो ये क्या इसके इक्वल क्या हो गया सी के, तो अब ये क्या बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए वेक्टर ए जीरो वेक्टर, जिस जो हमने पढ़ा था जीरो वेक्टर है, तो ये हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी बी सी एंड सी ए दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि फिर उसी पॉइंट पे आ गया वो, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई जीरो हुई ना। ये था अबाउट द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बात मैं और बता दूं यार, अभी हम बात करने वाले हैं ना इसकी वेक्टर एडिशन की, वैसे जो हमने करना है वो कंपोनेंट फॉर्म करनी है ज्यादातर को, इसके एक दो क्वेश्चन आएंगे जो हमने ये यहाँ पे ये यूज करेंगे, अदरवाइज हमने सारे वेक्टर्स में क्या करनी है मोस्टली कंपोनेंट फॉर्म पढ़नी है। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब आपको मैं यहाँ पे वेक्टर एडिशन का बात बता दूं ना, यहाँ पे मान लो एक वेक्टर ए है, वो उसको हम कैसे लिखेंगे थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव ए कैप, इसका मतलब क्या अभी हमने पढ़ा लिया, अभी इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको ना। अगर बी वेक्टर कोई ऐसे है टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सेवन के कैप, ये है। अब मैंने इसका एडिशन करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सिंपल यार कुछ नहीं करना आपने, इन दोनों को ऐड कर देना है। आई कैप वाला कोफिशिएंट इसको देखो, हम इसको क्या कहेंगे एक्स वाई और जेड है नहीं, ठीक है। आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट में ऐड हो जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के कोफिशिएंट में ऐड हो जाएगा, और ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा थ्री प्लस टू फाइव आई कैप प्लस सेवन जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप, ये है एडिशन, ये है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हमने ऐसे मतलब जो हमने करना है वो ऐसे करना है, आगे जाकर जो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे एडिशन ऐसे सिंपल करनी है हमने। आई कैप वाला आई कैप में आ जाएगा, जे वाला जे कैप में आ जाएगा, के वाला के कैप में, ऐसी सबट्रैक्शन कर देनी है ना। ये इसको क्या बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। ये तो वैसे मैंने आपको ना कई बच्चे इसको रिलेट करने जाते हैं यार ये एडिशन तो कुछ और होना चाहिए, ये क्या क्या है एडिशन। तो ये एक तरह से रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जैसे आप मैंने आपको बताया जी कि ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी है इस तरफ ना, इसकी डायरेक्शन ये था, यहां से शुरू किया डिस्प्लेसमेंट यहां के भी और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां तक हो गई है ना, ये तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, ये था, ठीक है। तो ये था बस ना, ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कंपोनेंट फॉर्म, हम अभी आगे पढ़ेंगे ना। उसके बाद क्या है, क्या लॉ ऑफ पैरलोग्राम का लॉ है ना, पैरलोग्राम का ये क्या कहता है देखो इधर, पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन है ना। मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए, दो एडजेसेंट साइड्स हैं ना, दो टू एडजेसेंट साइड्स आर देयर, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरलोग्राम, दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरलोग्राम, ये ए है ये बी है मान लो। अब यहां पे देखो, अगर इसको मैं पैरलोग्राम बनाऊंगा तो ऐसे बन जाएगा ये, ऐसे ऐसे ऐसे, पैरलोग्राम का हमें पता है क्या हो जाएगा, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दूंगा थोड़ा, ठीक है आप कैसे भी दिखा सकते हो। लेट अस सपोज ये ए है ये बी है, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ये एडजेसेंट साइड थी ना, एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी था, तो ये जो अब इनका जो कॉमन पॉइंट से ये जो वेक्टर निकलेगा ये इसका क्या होगा डायगनल बी डी, दिस इज वेक्टर डायगनल। अब ये डायगनल किसके इक्वल होगा देखो कैसे, अगर ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर क्या है ए, और ये वेक्टर क्या है बी सी भी कितना होगा, अरे बी सी भी भाई कितना होगा ए ही तो होगा, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये वेक्टर कितना हो गया ए वेक्टर हो गया। अब ये इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे लूंगा मैं ऐसे ऐसे, तो ये डीबी क्या था डायगनल वेक्टर था, डायगनल है इसका, तो ये किसके इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, ऐसे ये हो जाएगा। ये देखो ये था ये था ये, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ये देखो ऐसे मत समझ लेना, ये ऐसे जा रहा था ऐसे आगे से, फिर ऐसे नहीं है ऐसे है, ठीक है। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये इसे क्या, इसे क्या कहते हैं पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरलोग्राम लॉ है ये, चाहे ऐसे ले लो आप ये भी ए प्लस बी आएगा, ऐसे लोगे तो भी ये क्या आएगा ए प्लस बी आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर है ना। ये था लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। तो ए प्लस बी इज रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द ए प्लस बी, जो है ना ये क्या है ए प्लस बी इज
represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram through their common point. Through their ये common point था, ये इनका क्या हो गया common point है ना, तो ये था law of vector addition. उसके बाद हमने vector और properties of vector addition पढ़नी है थोड़ी सी. Properties of vector addition आपने पढ़नी है. इसमें क्या है कि सब properties of, देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी पहले क्या है, कॉमुटेटिव है. इट इज कॉमुटेटिव. कॉमुटेटिव, कॉमुटेटिव का मतलब ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ठीक है, चाहे ए वेक्टर को बी में ऐड कर दो चाहे बी को ए में ऐड कर दो, तो एक ही बात रहेगा. उस क्या कहते हैं कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी है ना. ऐसी अगर वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी है प्लस वेक्टर सी है इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये पढ़ चुके हैं ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. पहले मैंने ए और बी को ऐड किया फिर सी ऐड कर दिया, या ऐसा भी कर सकते हो आप बी प्लस सी वेक्टर करोगे और बाद में ए ऐड करोगे तब भी ये क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे. इसे क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ है ना ये था. उसके बाद जीरो, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी है. जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब वेक्टर ए में जीरो ऐड करोगे तो क्या रहेगा वही वेक्टर रहेगा है ना. जीरो इज अ लॉ ऑफ वेक्टर आइडेंटिटी. जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, इसे एडिटिव आइडेंटिटी का नाम दे देंगे. ठीक है, ये था. उसके बाद है बात करेंगे मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर. स्केलर का मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट एक तरह से ना, कोई भी कॉन्स्टेंट. अब यहां पे मान लो हम बात करते हैं, यहां पे एक वेक्टर ए है मेरे पास ना, एक यूनिट है इसकी ना, यहां तक है वेक्टर ए. ए वेक्टर है, क्या है ए वेक्टर, एक यूनिट का है मान लो ये. ठीक है, एक यूनिट का है, यहां पे यहां तक एक यूनिट है ना इसकी, एक यूनिट है ना इसकी, एक यूनिट का वेक्टर है ए. उसके बाद मैंने हाफ के साथ इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, तो ये क्या बन जाएगा इसका हाफ रह जाएगा ना. अगर ये पूरा एक यूनिट है तो ये कितना रह जाएगा हाफ रह जाएगा, बस इसका हाफ रह जाएगा. ठीक है, ये वेक्टर ए हो जाएगा हाफ ए. अगर मैं इसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर दू टू ए तो क्या हो जाएगा ये डबल हो जाएगा, मतलब इतना एक इतनी और आगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा. उसके बाद अगर माइनस टू ए कर दो या माइनस हाफ कर दो, ये तो मैंने हाफ के साथ करके दिखा दिया, ये डायरेक्शन इसकी वही रही, डायरेक्शन वही रहेगी है ना. अगर माइनस हाफ के साथ कर दू तो क्या होगा भाई, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब ऐसे या तो वो ऐसे हो जाएगा ऐसे, और वो भी क्या जाएगा हाफ हो जाएगा उसका ना. सिंपल यार, सिंपल मल्टीप्लीकेशन भाई, जैसे हम ये करते हैं ना. अब मैं आपको कंपोनेंट फॉर्म अभी की नहीं लेकिन बता रहा हूं, ए वेक्टर है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप, इसको टू ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो क्या रहेगा ये, बस सिंपल इसको इन सबको क्या कर दोगे, टू टू जार फोर टू थ्री जार सिक्स टू फाइव जार टेन, ऐसे हो जाएगा ये है ना. तो ये था इसका, अगर माइनस टू ए के साथ करते इसको मल्टीप्लाई, या आपकी बुक में भी ऐसे दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये डबल हो गया ना एक तरह से, टू ए के साथ किया ना ये देखो एक, और ये क्या हो गया दो हो गया ऐसे है ना, डबल हो गया ये इससे. ठीक है, उसके बाद ये टू ए है, ये वेक्टर टू ए है. ठीक है, तो ऐसे ये सिंपल माइनस हाफ ए के साथ करो तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस टू ए के साथ करोगे तो उसकी सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ऐसे डायरेक्शन इधर आ जाएगी ना, डायरेक्शन विल बी चेंज. तो ये था मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे मैं बात आपको बताऊंगा यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, हाउ यू कैन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो वन हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो वन, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, पहले तो ये देखो ए वेक्टर है मान लो है ना, ए वेक्टर है कोई भी कुछ भी हो ना यहाँ पे. अब इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप के साथ, इसको क्या कहते हैं ए कैप. इसको कैसे लिखोगे आप, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. कोई भी वेक्टर है उसको अगर आपने क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है. यूनिट वेक्टर बनाने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए. तो कैसे करेंगे देखो, इधर मान लो कोई भी, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई
जे कैप प्लस जेड के कैप, ये बताऊंगा ये क्या होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर अंडर रूट, ये हमने किया था ना पहले ही मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड है इसका। ये किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का। कोई एक्स वाई जेड क्या है, ये स्केलर कंपोनेंट्स है इसके, एक्स वाई जेड क्या है स्केलर कंपोनेंट्स है ना। तो इसको डायरेक्शन रेशियोज भी कहेंगे हम, है ना, वो मैंने बताया हुआ है डायरेक्शन रेशियोज का। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब ये क्या होगा, इस वेक्टर को, वेक्टर ए को डिवाइड कर दोगे किसके साथ, ये आया ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इसके बाद इस वेक्टर का, इस वेक्टर का अगर आप क्या निकालोगे मैग्नीट्यूड, तो दे मस्ट बी इक्वल टू वन आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू वन, ये याद रखना अपना। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इस मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप तब तक, है ना, नोट इट डाउन। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ना कंपोनेंट फॉर्म जो आपको बताना चाह रहा हूं, जो हमने करना है सारे चैप्टर में, है ना। ये क्या, लेट अस सपोज हियर इज अ जेड एक्सिस है, मैंने एक ये ले ली जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, है ना, ये क्या ले लिया एक्स एक्सिस। अब यहां पे एक मैंने पॉइंट ले लिया ए, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या ले लिए, 1, 0, 0 एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। अब वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, 0, 1 एंड 0, क्योंकि इसके ऊपर लाई करेगा ना, वाई एक्सिस ऊपर लाई करेगा तो वाई एक्सिस वाले का कुछ मैं y की y एक्सिस है ना, देखो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है जैसे 2D में होता है ना, 2D में, तो वैसे ही x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो मैंने x का कुछ पॉइंट ले लिया, 1 ले लिया, इसका क्या कहते हैं 0, 1, 0, इसका क्या होगा, आप समझ गए होंगे, सी पॉइंट मान लो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, 0 एंड 1, ये पॉइंट क्या है, ओ। अब यहां पे आप देखो भी ओ ए है ना, ओ ए, ओ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। देखो यार ये ओ से कितनी दूर है, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा दूंगा तब भी ओ ए 0, 0 है ओरिजिन पे, इसका डिस्टेंस निकाल लूंगा मैग्नीट्यूड ही होगा वो इसका, ये कितनी लेंथ है इसकी, मैग्नीट्यूड वही तो होता है, वो 1 आ जाएगा। ओ बी का भी मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1 आ गया। ओ सी का भी मैग्नीट्यूड क्या आ गया जी, 1 आ गया, ये मैंने लिया ही ऐसे है, ये 1 ले लिया ना। अब इनको क्या कहते हैं, द वेक्टर ओ ए अलोंग द एक्स एक्सिस ओ एक्स एंड वैक्टर ओ बी अलोंग द ओ वाई एंड द वैक्टर ओ सी अलोंग द ओ जेड, है ना, ये ले लिए। अब ये वैक्टर्स को इन, ये क्या है यूनिट वैक्टर्स है, इनका इनके मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, है ना। तो इनको डिनोट करते हैं, ओ ए को डिनोट करेंगे कैसे, आई कैप के साथ, ठीक है, आई कैप के साथ, जो अलोंग वाई एक्सिस है उसको करेंगे जे कैप के साथ, है ना। उसके बाद ओ सी वाले को क्या, किसके साथ नोट करेंगे, के कैप के साथ, ठीक है। अब मैं बात फिर बता दूं आपको, यहां पे उसने ये कहा, हमने ये कहा कि वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी, वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ओ ए का भी ओ बी भी और ओ सी, इनका मैग्नीट्यूड क्या है जी, 1 है, आर कॉल्ड वेक्टर्स अलोंग, आर कॉल्ड ओ ए ओ बी और ओ सी को क्या कहते हैं, वेक्टर्स अलोंग द ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, है ना, ओ जेड, और नोट बाय कैसे करते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप, है ना। अब मान लो मैंने यहां पे कोई पॉइंट और ले लिया, यहां पे कोई पॉइंट ले लिया पी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, एक्स वाई एंड जेड। अब उसको डिनोट कैसे करेंगे, देखो ओपी जो वेक्टर होगा ना, ओपी वेक्टर, इसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या आएगी, इसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, है ना। तो ये कंपोनेंट ओ पी की क्या होगी कंपोनेंट फॉर्म, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। अब ये अगर मान लो पॉइंट्स क्या हो गए, लेट अस सपोज दीज पॉइंट्स आर 2, 3 एंड 5 है सपोज, तो ये फॉर्म कंपोनेंट फॉर्म क्या आएगी, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप।
अब ये जो डिस्टेंस होगा ये 2, 3 और 5 है, ये स्केलर कंपोनेंट्स है, दीज आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स। और अगर ये पूरे है 2i कैप 3j कैप 5k कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट्स है। ये क्या है? वेक्टर कंपोनेंट्स है, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स है ना। तो ये था, अब इसमें जो हमने कोई भी पॉइंट शो करेंगे, ये p x y z है ना, ये देखो सिंपल सी बात है, ये हमने यूनिट वेक्टर ले लिए थे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप। यूनिट वेक्टर का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1। अब आपने कोई और मैग्नीट्यूड, कोई और वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 7 है। आई कैप का मतलब क्या हुआ? इसका यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। अब मैंने आपको यहां पे जैसे 2i लिखना था, 2 का मतलब, ये 2 का मतलब क्या है कि अलोंग द एक्स एक्सिस, और कितनी लेंथ है उसकी, कितनी लेंथ है एक्सिस के अलोंग? 2। तो यहां पे मैं 2i कैप कर दूंगा, क्योंकि i कैप का मतलब तो क्या है? 1 है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2i कैप। j कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर है ना, और अलोंग द y एक्सिस कितना है? वो 3 है। तो 3j कैप क्यों लिखा? क्योंकि j कैप का मतलब क्या है? 1। j कैप का मतलब क्या है? 1। और मैं उसकी यूनिट कितनी लेना चाहता था? अलोंग द y एक्सिस 3। तो वो कितना हो जाएगा? 3j कैप एंड 5k कैप। तो ये बन गई इसकी कंपोनेंट फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। और इसमें एक और बात बता दूं, ये जो 2, 3 और 5 है, इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोस। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोस। और बात, अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो ये क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, देन दीज विल बी डायरेक्शन कोसाइंस। मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ ही गए होंगे ना, ये एक्स वाई जेड है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई बात नहीं, अभी आपको नहीं समझा रहा, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और क्लियर होता रहेगा। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको कंपोनेंट फॉर्म बनानी थी। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स मतलब डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई जे कैप मतलब जे के साथ जो होगा वो डिस्टेंस अलोंग क्या होगा? वाई एक्सिस, ओ वाई है ना। और जेड का मतलब जे जो के कैप के साथ होगा, के कैप किसके साथ लिखेंगे? जेड कोऑर्डिनेट के साथ ना, तीन ही कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। तो एक्स का मतलब एक्स के साथ क्या लिखेंगे? आई कैप, वाई वाले के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप, ठीक है। ये था, तो ये थी इसकी कंपोनेंट फॉर्म है ना। अब एक और बात बता दूं मैं यहां पे, अगर कोई दो वेक्टर्स है ना, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं इसमें, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब हमने क्या लिया हुआ? पैरेलल है ना। अब वो कोलिनियर कैसे हो सकते हैं? पैरेलल मतलब, पैरेलल समझ लो, कोलिनियर का मतलब क्या है? पैरेलल है ना। अब अगर कोई दो वेक्टर्स, एक दो वेक्टर्स है, एक ए है एक क्या है? बी। इफ दे आर कोलिनियर देन वी कैन राइट बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, बी इज इक्वल टू लैम्डा ए। अगर ये कंडीशन, लैम्डा क्या है यहां पे? कोई भी कॉन्स्टेंट है, लैम्डा इज एनी कॉन्स्टेंट है। अगर बी इज इक्वल टू लैम्डा ए है तो इसका मतलब दोनों ए और बी क्या है? कोलिनियर है। इट मीन दे आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब आपने अच्छी तरह से समझा हुआ है, एक वेक्टर ए है, ये दोनों एक तरफ हो सकते हैं है ना, दोनों की डायरेक्शन एक हो सकती है, दोनों की डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, एक इधर हो सकता है एक इधर हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं ये, देन दे विल बी ऑल्सो कोलिनियर। लेकिन होने क्या चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, दे शुड बी पैरेलल। और अगर वो, अगर हम ये कंडीशन आए कभी इफ ए इज, ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, देन वी कैन राइट बी इज इक्वल टू लैम्डा ए। ये बात हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे है ना। यहाँ पे आपने याद रखना है सिर्फ ये कंडीशन कोलिनियर की, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर देन बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, ठीक है। तो ये था इसका ना, बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, ठीक है। उसके बाद करेंगे जी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, खत्म हो गया यहां पे। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब मान लो सिंपल सी बात है, मान लो एक ए है यहां पे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन है। एक बी है यहां पे, एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू है, ये है। एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था बी है ना। अब इनको जो
वेक्टर, मैंने टॉपिक क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, इससे जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, व्हाट विल बी द वेक्टर फ्रॉम दिस, है ना, व्हाट विल बी द वेक्टर्स, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ये सिंपल सी बात है, आपने क्या लिखना है, एक्स टू माइनस एक्स वन, ए बी वेक्टर लिख रहा हूं मैं, बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, ये था वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट, मतलब कोई वेक्टर बनाना है हमने किससे, टू पॉइंट्स, और दोनों पॉइंट्स के क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है बस, तो वो कैसे लिख दोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हो तो वो देखो डेरिवेशन, अगर आपने इसका क्या देखना, ये फॉर्मूला है इसका ना, डेरिवेशन कैसे आएगा देखो, डेरिवेशन के लिए सिंपल सा हम ये लिख दूंगा मैं, यहां पे पहले मैंने क्या बना दिया, मान लो यहां पे अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो, ये मैं हमेशा क्या लेता हूं, कुछ भी ले सकते हो आप, जेड एक्सिस वाई एक्सिस और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, और यहां पे पॉइंट हो गया जी ओ, अब यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, मान लो ए ले लिया सपोज, पॉइंट क्या ले लिया मैंने यहां पे ए, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, एक्स टू कॉमा वाई टू एंड जेड टू, और यहां पे मैंने एक पॉइंट क्या ले लिया बी, उसके कोऑर्डिनेट्स के ले लिए एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, ये कोऑर्डिनेट्स, अब यहां पे ओ है, यह है ना, तो मैंने ए बी निकालना है, याद रखना ना, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, ये ओ टू बी हो गया, ये मान लो बी यहां पे ले लिया ओ टू ए, है क्या ले लिया ओ टू ए, अब मैंने ए बी निकालना था ना, ये ट्रायंगल ट्रायंगल लगाऊंगा मैं यहां पे, ये मान लो यहां पे ऐसे सीधी लाइन होगी ना, ये ऐसे होगी, ये होगी ऐसे, है ना, ये ऐसे होगा हमारे पास, ये अब मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा यहां पे, ट्रायंगुलर लॉ, है ना, अब ये देखो अगर यहां पे ऐसे हो गया, है ना, यहां पे ऐसे हो गया, तो ध्यान से देखो, ये ओ टू बी था, बी टू ए हो गया, है ना, बी टू ए हो गया, जैसे डायरेक्शन होगी, और ये क्या होगी ओ ए, अब इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें देखो, ओ ए अगर ट्रायंगुलर लॉ लगाऊंगा मैं, इसका डेरिवेशन बता रहा हूं मैं आपको, ओ टू ए, है ना, ओ टू ए इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ओ टू बी, ओ टू बी प्लस बी ए, प्लस बी ए, ये था, अब ये देखो ओ टू ए जो है, ओ टू ए ये कितना होगा, अगर मैं ओ टू ए निकालू तो ये जीरो जीरो है इसके कोऑर्डिनेट्स, जीरो जीरो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस, देखो ओ ए जो होगा, ओ ए ये कितना हो जाएगा, ओ टू ए अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस जीरो आई कैप ओ ए, यहां पे लिख दू, देखो मुझे चाहिए क्या, इस बात का भी ध्यान रखना है, आई वॉन्ट ए बी, मैंने ए बी निकालना है ना ए बी, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये जो क्या है बी ए, है ना, तो क्या करो आप इसको, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, है ना, तो इसको मैं माइनस ए बी लिख दूं, माइनस ए बी ये लिख सकते हैं, अब माइनस ए बी इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव ए बी, ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा ओ बी, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, ये देखो सिंपल सी बात है, मैंने बी ए की जगह पे क्या लिखा माइनस ए बी, इसका नेगेटिव वेक्टर लिख दिया, अब ये इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव, अब ओ बी निकाल लोगे यार, कैसे निकालोगे ओ बी, ओ बी का जो डिस्टेंस है ओ बी वो कैसे निकालोगे, यस ओ बी कैसे वेक्टर लिखेंगे हम, वही जैसे अभी हमने पोजिशन वेक्टर लिखा था ए बी, व्हाट विल बी देयर ओ बी, ओ बी कैसे निकालोगे ओ टू बी, ये क्या आ जाएगा एक्स वन आई कैप, ठीक है आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, फिर क्या आ गया माइनस, तो ये क्या होगा, अब यहीं पे लिख देता हूं मैं, कौन सा ओ ए, ओ टू ए क्या आ जाएगा ये एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस
जेड टू के कैप। अब जब इसको खोल दोगे आप, जैसे कोई इकट्ठा करोगे ना इसको, इसको इकट्ठा कर लोगे आप, ठीक है, ये एक्स वन आई कैप है माइनस एक्स टू आई कैप है, तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट इट विल बी, हमने क्या निकालना है, पी वन पी सॉरी यहां पे था हमारे पास। अब सिंपल सी, अब यह क्या कर दो, इसको कंबाइन कर दो ना, ए बी वेक्टर क्या आ गया, ए बी, इसको कंबाइन कर लो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू आई कैप प्लस वाई वन माइनस वाई टू जे कैप प्लस जेड वन माइनस जेड टू के कैप। ये देखो ये कौन सा वेक्टर निकाला मैंने, ए टू बी, ए टू बी निकाल दिया मैंने, ए टू बी, ए बी या कोई भी है ऐसे है, ए टू बी आ गया तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू आ गया, आगे आ गया यार ऑपोजिट है ना, ये ऑपोजिट आ गया, मैंने आपको फॉर्मूला देखा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। जब इसका मैग्नीट्यूड आएगा ना ए बी का और बी का, तब मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अगर आपने, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं है, ए बी कर दिया, अगर आप यहाँ पे बी ए ही निकालते तो एक्स टू माइनस एक्स वन आता, वो कोई दिक्कत नहीं है यार, ए बी है, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो या बी ए का मैग्नीट्यूड निकाल दो, वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे मान लो ये सिंपल पॉइंट थे, ये तो मैंने वैसे निकाल दिया, ए बी था, ए बी, अगर आपने ए बी लिख दिया, अगर आपने क्या लिख दिया, ए बी, तो क्या आएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू, जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू। और अगर बी ए लिखोगे, देखो अगर बी ए लिखोगे, ए बी तो ये आ रहा है, अगर बी ए लिखोगे ना तो ये आ जाएगा बी ए, वो क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये क्यों, अगर मैं यहां पे ऐसे करता, देखो ध्यान से, मैं ये वाला कंसेप्ट ना यूज करता तो क्या करता, मैं ऐसे भी कर सकता, देखो इधर ध्यान से, ओ ए माइनस ओ बी इज इक्वल टू बी ए, तो मेरा वही आता जो मैंने आपको ये सेकंड लिखा है, कैसे, देखो ओ ए क्या आता, ओ टू ए एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस ओ बी क्या आता, ओ बी एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ठीक है, ये आ जाता। फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, जेड टू माइनस जेड वन बी ए, ठीक है, ये आपने कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस बात का ध्यान रखना है, देखो ये ए है, ए बी लिख रहे हो ना, ए बी वेक्टर निकाल रहे हो, ए के कोऑर्डिनेट्स है बी के, तो बी के पहले लिखना एक्स टू, अगर अब यहां पे देखो ना ए बी है ना, ए बी अगर, तो ए बी निकाला मैंने, इसलिए दोनों करके दिखा दी मैंने, ए बी निकाला तो क्या आएगा, देखो ये ए था ये बी था, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, ये आया। अगर बी ए निकालता हूं, बी से ए ऐसे निकालता हूं, तो क्या आ जाएगा वो, एक्स टू माइनस एक्स वन, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं आई है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, सेम आएगा, इस बात का ध्यान रखना, क्लियर। तो ये था वेक्टर ज्वाइनिंग बाय टू पॉइंट्स, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ते आए हैं, टेंथ क्लास में ही पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस वन में भी पढ़ा था, ठीक है। अब यहां पे भी सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या है, यहां पे लेट अस सपोज, यहां पे मैंने एक पॉइंट दे दिया जी, पी पॉइंट दे दिया यहां पे, और एक पॉइंट है यहां पे क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू पॉइंट, और ये लाइन सेगमेंट होगी यहां पे पी क्यू, ठीक है, पी क्यू क्या होगी, लाइन सेगमेंट, और यहां पे एक पोजीशन वेक्टर ओ ले लिया, और ये क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओपी, और यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू। अब यहां पे एक पॉइंट आया बीच में, पी क्यू लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट आ गया जी आर, क्या पॉइंट आ गया आर, और इस आर ने इसको एम रेशो एन में डिवाइड कर दिया, एम रेशो एन में डिवाइड कर दिया इसको। अब मुझे क्या ढूंढना है, ओ आर, ओ आर ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये कैसे निकाल सकते हैं,
वहां पे हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते थे m1x2 + m2x1 वाला फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, वेक्टर। तो लेट अस सपोज दिस इज r वेक्टर ले लिया मैंने, और ये क्या ले लिया, वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। सपोज मैंने इसका नाम वेक्टर a रख दिया, उसका वेक्टर क्या रख दिया, b। सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर or। तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, ये ऐसे हो गया, यहां से ऐसे पोजिशन ले ली मैंने ये, है ना। अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहले तो पी आर ओवर आर क्यू, यहां पे लिखा मैंने पी आर ओवर आर क्यू, ये क्या हो जाएगा, पी आर ओवर आर क्यू एम अपॉन एन, एम अपॉन एन, नाउ पी आर, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू, एन पी आर इज इक्वल टू एम आर क्यू। एक और ध्यान रखना, अब यहाँ पे हम प्लस वन में ही पढ़ा था वैसे, इंटरनली और एक्सटर्नली, ये हम ये कर रहे हैं जब पी क्यू लाइन सेगमेंट है और R इसको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। R ने क्या किया, इसको इंटरनली डिवाइड, एक एक्सटर्नली भी आएगा वो भी बताऊंगा ना, इंटरनली कर रहा है। अब पी आर की वैल्यू निकालनी है ना, सिंपल, पी आर कहाँ पे आई है ना, ये देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ लगा दू मैं, देखो ट्रायंगुलर लॉ हमने पढ़ा था ना, ये ऐसे गया ए वेक्टर प्लस ऐसे ये पी आर, पी आर वेक्टर है ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यार, आर, आर वेक्टर। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, पी आर की, पी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस ए, ये हो गया। तो पी आर की आप ये पुट कर दो एन, ये क्या हो जाएगा पी आर, सॉरी आर माइनस ए, ये क्या हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना। तो अब एम आर क्यू की वैल्यू निकालो, ऐसी आर क्यू ए था, इसमें भी ट्रायंगुलर रूल लगाऊं, देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी देखो ध्यान से, आर जो हमने पढ़ा था ना रिजल्टेंट वेक्टर आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर की, हम ये आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, इसमें पुट कर दो ये वैल्यू की, ठीक है, ये क्या आ गई बी माइनस आर वेक्टर। अब ये क्या हो जाएगा, देखो एन आर माइनस एन ए इज इक्वल टू एम बी माइनस एम आर वेक्टर, ये हो गया। अब देखो यहां से मुझे R वेक्टर है ना, ये R, ये एक ही बात होती है, R वेक्टर स्मॉल लिख दिया मैंने, OR पूरा नाम है इसका, मतलब OR भी यही वेक्टर है और ये स्मॉल R भी ये वेक्टर है, जैसे O क्यों भी पोजिशनल वेक्टर है और इसका शॉर्ट नेम हमने कैसे देते हैं, B वेक्टर है ना, ऐसे। सो नाउ व्हाट इज देयर एन आर, ये एम आर वाला इधर क्या हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए, ये उधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहां से आर मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या रह गया, एन प्लस एम इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए। तो ये यहां से क्या हो गया, इज इक्वल टू आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो ये बन गया पोजिशन वेक्टर आर, ये पोजीशन वेक्टर बन गया आर ओ आर है ना, जिस पॉइंट ने इसको क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो ये था हमारे पास ना, ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर का, आर का पोजीशन वेक्टर ये बन गया एम बी प्लस एन ए प्लस अपॉन एम प्लस एन। ए वेक्टर ये था पी का, जो पी का पोजीशन वेक्टर था, बी क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था, एम क्या था, एम इसकी रेशियो थी, एम और एन क्या थी, रेशियो थी ना, ये था इंटरनली। अब अगर एक्सटर्नली करें तो यहां पे कुछ नहीं करना आपने, ये देखो एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब नहीं पता होता को, देखो इंटरनली आ गया तो ये क्या फॉर्मूला आ गया, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ठीक है, ये आ जाता। अगर एक्सटर्नली आ गई तो क्या फॉर्मूला है, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम, एम बी माइनस एन ए तो अपॉन एम माइनस एन, ये आ गया। एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, देखो एक्सटर्नली का मतलब यहीं पे बता रहा हूं मैं आपको, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो देखो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ये इसका पोजीशन वेक्टर है ओ ओ, ये देखो यहां से ये ओ पी का भी यही रहा है ना, सिर्फ ये आर पॉइंट यहां पे नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, आर पॉइंट देखो चलो यहीं पे मिटा के बता देता हूं आपको, यहां पे पॉइंट क्या है पी, यहां पे पॉइंट क्या ले लिया क्यू, और यहां पे ओ, ओ पी इसका पोजिशन वेक्टर हो गया, ओ क्यू इसका पोजिशन वेक्टर हो गया है ना, ओ ये पोजिशन वेक्टर इसका है, ये पी पॉइंट का ए लगा लो, ये क्या लगा लो बी है ना, उसके बाद यहां पे ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू,
अब इस लाइन को आर ने एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया, कैसे, एम रेशो एन में, एम रेशो एन में, ठीक है, एम रेशो एन में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो वो क्या आएगा, देखो इसको ऐसे ज्वाइन करके ये ज्वाइन कर दिया मैंने। अब ये याद रखना, ये एम कहां पे है, आर पी, देखो आर पी ओवर आर क्यू है, आर पी या पी आर लगा लो, पी आर, पी आर, पी आर ओवर आर क्यू है ये ना, पी आर ओवर आर क्यू या क्यू आर लगा दो, यहां से ऐसे पी आर लगा रहे तो क्यू आर लगाना, क्यू आर, ठीक है। ये कितनी आ गई रेशो, पी आर एम रेशो एम बाय एन, ये है बस, ठीक है। और आपने याद रखना, अगर एक्सटर्नल लिया तो क्या फॉर्मूला आएगा, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला है ना। तो इसके बाद हम करेंगे आगे एक्सरसाइज, तो आप इसके सारे डेरिवेशन देखो एक बार, फॉर्मूले याद करो। अभी तक हमने दो ही फॉर्मूले किए हैं इसके, एक तो वेक्टर ज्वाइनिंग बाय टू पॉइंट्स, वो क्या था, एक्स टू माइनस एक्स वन है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन, आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन, जे कैप, ऐसे है ना। उसके बाद मैग्नीट्यूड किया था, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में, ये मैग्नीट्यूड है, किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी भी वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का ना। तो और यूनिट वेक्टर किया, यूनिट वेक्टर में क्या था, किसी को यूनिट वेक्टर बनाना है, ए वेक्टर को बनाना है मान लो, तो ये क्या लिखोगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक आपने ये याद रखना है मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, दूसरा यूनिट वेक्टर कैसे बनाना है, तीसरा ये वेक्टर कैसे बनाना है बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, है ना। तो वो ये हो गया, और तीसरा हमने सेक्शन फॉर्मूला कर लिया। तो ये सारे फॉर्मूले आप लर्न करो है ना, और इसको देखो, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2।